एक ओर जहां देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र अंबेडकर पार्क में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जिला संयोजक मोहम्मद गौरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज अम्बेडकर पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया है। वहीं युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के बीच भी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम आज का हमारा ये है कि आज 23 जनवरी है, तमाम पूरे भारत में 23 जनवरी को सभी लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। हमारा संगठन भी हर साल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाता है। आज भी हमारे संगठन ने कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए, चुनाव आचार संहिता जो लगी हुई है उसका भी पालन करते हुए, आज मुरादाबाद के सिविल लाइन अम्बेडकर पार्क में हमारे संगठन ने सिर्फ पुष्प अर्पित का कार्यक्रम रखा है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। किसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये जयंती मनाई है और हमारा कहना है कि सभी लोगों को, युवाओं को नेताजी के पथ प्रदर्शक अपना मानकर उन्हीं की शिक्षाओं को ग्रहण कर आगे हमें चलना चाहिए। और जो सरकारें हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि सरकारें जो ये लगा रही हैं स्टैचू, आज 125वीं जयंती है जबकि इनकी इतनी लेट ये कदम उठाया है, और उसके बावजूद भी सरकारों से हम कहेंगे कि स्टैचू लगाने के साथ साथ इनकी जो शिक्षाएं हैं, इन्होंने जो कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक था इनका, और कहा था कि आर्थिक स्थिति के आधार पर जो सभी लोग समान हो उस पर भी सरकार विचार करे। इसलिए सभी युवाओं से हमारा अनुरोध है, सभी जनता से, कि नेताजी के पथ प्रदर्शक मानकर हमें इनके शिक्षाओं को ग्रहण कर इनके जीवन को अपने उसमें उतारें। यही सबसे बड़ा इनके जीवन का जो हम जयंती मना रहे हैं, इनका सम्मान होगा।